दोस्तों, खजूर के फायदे बहुत से होते हैं। खजूर एक प्रकार का फल है जिसका उपयोग ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी किया जाता है। खजूर को इंग्लिश में डेट्स कहा जाता है और खजूर की तासीर गर्म होती है। दोस्तों, खजूर की खेती सबसे पहले इराक में की गई थी। खजूर की विश्व में कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन जो किस्में आसानी से मिल जाती हैं वे हैं अजवा, डेग एट, बरही, हलवी और मेडजूल आदि। खजूर खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ अच्छी सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। खजूर में पाए जाने वाले पोषक तत्व अच्छी सेहत के साथ कई शारीरिक बीमारियों के लक्षणों कम करने व उनसे बचाव करने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। खजूर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और कैल्शियम के साथ विटामिन ए और विटामिन के जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर को हिंदी में खजूर और खजूरी, संस्कृत में खजूरी स्व व दुरारोहा, तमिल में इचपोरिया, में खाजी और नेपाली में खजूर कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि खजूर खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, खजूर खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं। नंबर वन, हृदय स्वास्थ्य के लिए खजूर का सेवन अच्छा होता है, क्योंकि खजूर में पोटेशियम की उच्च मात्रा पाई जाती है जो हृदय को स्वस्थ रखने के साथ स्ट्रोक व हृदय से जुड़ी अन्य रोगों के जोखिम को भी कम करती है। नंबर टू, खजूर में प्रोटीन, आयरन और अन्य विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। नंबर थ्री, खजूर में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करती है और अनियमित भूख को नियमित करने में सहायक होती है। नंबर फोर, विशेषज्ञों के अनुसार खजूर का नियमित सेवन दिमाग संबंधी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा यह स्मृति को बढ़ाने में भी लाभदायक पाया गया है। नंबर फाइव, हड्डी स्वास्थ्य के लिए खजूर में मौजूद कैल्शियम प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है जो हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के साथ बढ़ती उम्र में होने वाले हड्डी फ्रैक्चर के खतरे से भी बचाता है। नंबर सिक्स, खजूर में मौजूद पोटेशियम उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार पोटेशियम युक्त आहार का सेवन उच्च रक्तचाप को कम कर उसे सामान्य रखने में मदद करता है। नंबर सेवन, शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए खजूर का सेवन फायदेमंद होता है। शरीर में आयरन की कमी खून की कमी का कारण बनती है, वहीं खजूर में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर खून की कमी को दूर करती है और एनीमिया रोग से बचाव करने में सहायक होती है। नंबर एट, पाचन स्वास्थ्य के लिए खजूर में मौजूद फाइबर मुख्य रूप से कार्य करता है जो पाचन में सुधार कर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा यह गैस, कब्ज और अपच जैसी अन्य पेट समस्याओं को भी दूर करता है। नंबर नाइन, गर्भवती महिलाओं के लिए खजूर का सेवन अच्छा होता है। एक शोध के अनुसार खजूर का सेवन माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित माना गया है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त 300 कैलोरी की ज़रूरत होती है जिसे खजूर पूरा करता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान फिर भी खजूर का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 10, बवासीर रोग से बचाव के लिए खजूर का सेवन अच्छा होता है, क्योंकि खजूर में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और बवासीर रोग से बचाव करने में मदद करता है। नंबर 11, बालों के स्वास्थ्य के लिए भी खजूर का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। खजूर आयरन से भरपूर होने के कारण यह स्कैल्प में रक्त संचालन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन आ बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नंबर 12, खजूर विटामिन सी और फ्लावोइड से भरपूर होता है जो त्वचा के लोच में सुधार करता है, जिससे त्वचा चिकनी और नर्म हो जाती है। इसके अलावा खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा के बढ़ती उम्र के असर को कम कर त्वचा को जवां बनाए रखने में सहायक होते हैं।
खजूर के फल का सीधे सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा खजूर की चटनी, मिठाई, हलवा और स्मूदी, जूस और स्नैक्स में उपयोग किया जा सकता है। खजूर को दूध के साथ सेवन करना भी फायदेमंद होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी जानकारी प्रदान करेगा। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने सभी मित्रों को भी शेयर करें।